अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं राइस फेस मास्क फॉर स्किन टाइटनिंग लिफ्टिंग एंड ग्लोइंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबलस्पून राइस हैं, उसको हमने हाफ ग्लास वाटर में ओवरनाइट सोक करा है। घर में आप जो भी राइस यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। उसको हाफ ग्लास पानी में आपने ओवरनाइट सोक करना है। इसके साथ हमारे पास है 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, ये मैंने फ्रेश लिया है, आप चाहें तो जार का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ग्लीसरीन एंड 1 इवियन कैप्सूल। इवियन हमने वाइटामिन ई कैप्सूल होता है, ये हमने 400 mg वाला यहाँ पर यूज़ करा है। और ये दोनों आपके स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देंगे, ग्लीसरीन एंड इवियन दोनों आपके। और वैसे भी विंटर सीजन है तो स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी। अब हमने सबसे पहले राइस का पानी ड्रेन करना है और उसमें एलोवेरा जेल मिला के अच्छे से मिक्सर में इसको पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। चले हम मिलते हैं पेस्ट बनाने के बाद। ये देखिए, हमने राइस का एंड एलोवेरा जेल का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। ये इतना थिक भी नहीं होएगा और पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून ग्लीसरीन मिलाई है और 1 इवियन कैप्सूल। इसको हम कैप्सूल का हम पंचर कर लेंगे। ये देखिए, और इसको स्क्विश कर देंगे अच्छे से। इसका पूरा जेल आपने, एक कैप्सूल का पूरा जेल आपने इसमें ऐड करना है, अच्छे से स्क्विश कर लें। ये आपने इसका थोड़ा सा सही से पंचर करके एक पूरा इवियन कैप्सूल इसमें स्क्विश कर लेना है। अब आपने इन सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, और आपके पास ये इतना सारा मिक्सचर बन गया है। ये आप वन टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको फ्रीज कर लीजिएगा, इसकी क्यूब्स बना लें। ये देखें, अब हम आपके पास कोई भी सिलिकॉन ट्रे है या कोई भी आइस क्यूब ट्रे है, आप उसमें डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये आपके स्किन पे अच्छे से स्क्रब कर देगा आपके स्किन को और बहुत अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट देगा। ये आप 1 क्यूब्स लेके अच्छे से अपने स्किन पे स्क्रब करें और 10 मिनट्स छोड़ दें, और फिर सादे पानी से अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथ पे थोड़ा सा। ये आप थोड़ा सा हाथ पे डाल के, ये थोड़ा सा देखें दरदरा सा होगा, ये अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। और आप इसको 10 मिनट्स अपने फेस पे छोड़ेंगे तो आपका फेस लिफ्ट होएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप इसको वीक में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। चले आपको दिखाते हैं मैंने इसको फ्रीज कैसे करा। ये देखिए, ये फ्रीज होने के बाद ऐसे आपने 1 क्यूब लिया और आपने स्किन पे अच्छे से स्क्रब कर लिया और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ये देखें, और आप इसको 20 डेज आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं। कोई भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में आप इसको डाल के क्यूब्स को रख सकते हैं। आपको मेरा रेमेडी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।